आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। आई होप यू ऑल गोइंग टू एंजॉय इट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रियल हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ एंड मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली गाइस, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ जिसके बारे में या जिसने ये एक्सपीरियंस अपनी रियल लाइफ में करा था। तो गाइस, मेरे नाना जी की ये स्टोरी है एंड मेरे जो नाना जी थे ऑलमोस्ट मैंने उन्हें नहीं देखा है बट मैंने फोटोज में देखा है और मम्मी लोग बताती हैं कि वो बहुत ज्यादा टॉल थे। ऑलमोस्ट उनकी हाइट जो थी वो 6.5 या 3 थी कुछ एंड वो बहुत ज्यादा ही ब्रॉड थे, एक आप बोल सकते हो, और वो पहलवानी करते थे अपने टाइम पे और वो हमेशा ही व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, सफेद रंग का धोती और कुर्ता उस समय पहना करते थे। तो बेसिकली जो मेरे नाना जी थे वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत अच्छी फिजिक थी और वो बहुत ही अच्छी एक रेपुटेटिव गवर्नमेंट जॉब भी करते थे। बेसिकली मेरे नाना जी जो थे वो गवर्नमेंट प्रेस में काम करते थे। तो उस टाइम पे जो उनका गवर्नमेंट प्रेस में वो काम करते थे, उनकी 3 शिफ्ट चलती थी। बेसिकली 3 शिफ्ट में उनके ऑफिस में लोग 8-8 घंटे के लिए काम करते थे। तो बेसिकली वो जो शिफ्ट स्टार्ट होती थी कि अगर जैसे मेरे नाना जी सुबह की शिफ्ट में जाते थे तो वो इवनिंग में वापस आ जाते थे, और अगर इवनिंग में 3 बजे या 4 बजे जाते थे तो रात में 12-1 बजे वापस आते थे, और ऑलमोस्ट अगर रात में जाते थे तो वो सुबह वापस आते थे। तो ऑलमोस्ट हर बार की तरह, रोज की तरह मेरे नाना जी एक बार उनकी इवनिंग शिफ्ट थी तो बेसिकली वो घर से अपना 3 से 4 बजे अपनी जॉब के लिए चले गए अपनी साइकिल से, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियां नहीं होती थी और बेसिकली जो व्हीकल्स होते थे या तो वो रिक्शा या टांगे जो चलते थे, और अपनी जो व्हीकल होती थी वो साइकिल होती थी। तो रोज की तरह मेरे नाना ने अपनी साइकिल उठाई और अपनी जॉब के लिए वो ऑलमोस्ट शाम के 3:30 या 4 बजे अपनी जॉब के लिए निकल गए। तो नाना ने पूरी अपनी जॉब करी एंड जॉब उनकी ऑलमोस्ट रात में, मम्मी बता रही थी कि ऑलमोस्ट उनकी उस दिन की शिफ्ट जो थी वो ऑलमोस्ट 12 या 12:30 बजे वो खत्म हो गई एंड मेरे नाना अपने घर वापस आने के लिए निकल गए। सो गाइस, बेसिकली मैं बता दूं, मेरे नाना गांव से बिलोंग नहीं करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे नाना जी मेन सिटी के हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, पूरा शहर था, बट शहर होने के बावजूद उस समय शहर भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे और दूर दूर तक कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और ना ही इतनी ज्यादा आबादी थी, ना ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी। सो रात के समय जब मेरे नाना आते थे तो हर जगह अंधेरा रहता था और दूर दूर तक मैदान रहते थे और कुछ भी नहीं दिखता था, और जो ऑलमोस्ट शहर की जो दुकानें होती थी और जितने भी आपकी चीजें रहती थी वो भी सब सेटल डाउन हो जाते थे, वो भी सब बंद हो जाते थे। तो रोज की तरह जैसे मेरे नाना जी की जैसे ड्यूटी, जब मैंने बताया आपको कि 12:30 बजे जब उनकी ऑलमोस्ट शिफ्ट जब खत्म हो गई और वो जब आने लगे, घर आने लगे, तो काफी दूर तक वो साइकिल चलाते चलाते अपने अपने मौज से आराम से साइकिल चला के अपने घर आ रहे थे। तो बेसिकली थोड़ी देर बाद जब उन्होंने साइकिल चलाई और आगे जब गए तो उन्होंने देखा कि दूर एक मैदान में उन्हें दिखाई दिया कि दूर कहीं पे उनको कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया और वहां से रोशनी आ रही थी और कुछ ढोल नगाड़ों की और गाने की आवाजें भी उनको सुनाई दे रही थी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो मेरे नाना थे वो कव्वाली के बड़े ही शौकीन किस्म के इंसान थे, उनको कव्वाली बहुत ही पसंद थी। तो अगर उनको पता चल जाता था कि कहीं कव्वाली हो रही है या कहीं गाने हो रहे हैं या कहीं कुछ ऐसी चीजें प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो वो मेरे नाना जी जरूर उसको अटेंड करने जाते थे, चाहे वो जितना भी दूर हो, और वो उसे छोड़ के कभी भी आगे नहीं बढ़ते थे। तो जब मेरे नाना को ये सुनाई दिया कि कहीं जब वो जा रहे थे उस रास्ते से तो उन्होंने देखा कि आगे थोड़े दूर पे रोशनी आ रही है और वहां पे गाने वाने हो रहे हैं और कव्वाली हो रही है। तो क्योंकि मेरे नाना जी बहुत ज्यादा शौकीन थे तो मेरे नाना जी ने घर जाने का विचार त्याग दिया और वो उस कव्वाली में चले गए। तो जब मेरे गए, मैं बता दूं, वो जो कव्वाली थी वो ऑन द उनके
वाले जो रास्ता था जहाँ जा रहे थे घर जा रहे थे उसके पीछे में घर जाने के रास्ते में ही वो कवाली उधर हो रही थी। तो बट क्योंकि उनको घर भी जाना था और बट कवाली हो रही थी तो उन्होंने घर ना जाके कवाली में जाना डिसाइड किया। तो जब मेरे नाना वहां पे पास में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी ही तरह सैकड़ों लोग वाइट धोती कुर्ते में पूरे टॉल सिक्स पॉइंट फाइव सात फुट के ऐसे ही लोग लंबे चौड़े एकदम वाइट कलर के कपड़े पहने हुए कवाली इंजॉय कर रहे थे। तो क्योंकि मेरे नाना बाद में पहुंचे थे तो मेरे नाना आराम से पीछे जाके सबसे बैठ गए। तो जैसा कि मैंने बताया नाना जी बड़े शौकीन थे हमारे कवाली के, तो वो धीरे 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 कवाली हमारी स्टार्ट होने लगी। नाना एकदम मेसमराइज हो गए थे कवाली में और अपने कवाली का पूरा आनंद उठाने लगे। तो जैसे जैसे रात पड़ने लगी वैसे वैसे कवाली का जो आप बोल सकते हो जो एक होता है ना मेसमराइजिंग जो नशा होता है या आप जिस बोल सकते हो जो आपको अच्छा जैसा फील होने लगता है या उसमें जैसे खो जाते हो तो वो सब होना स्टार्ट हो गया और वो सब चलता रहा। तो धीरे 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 पहले एक बजा दो बजा तीन बजा ऐसे ही धीरे धीरे हमारा कवाली होती गई। तो जब सुबह के चार या साढ़े चार बज गए ऑलमोस्ट जब सुबह के चार या साढ़े चार बज गए और कवाली एंड होने लगी तो वहाँ पे नाना जी ने देखा कि जब कवाली एंड होने लगती थी बेसिकली तो प्रसाद मिलता था। तो वहाँ नाना जी ने देखा कि आगे क्योंकि मेरे नाना बहुत ज्यादा पीछे बैठे थे सबसे पीछे बैठे थे तो वहां पे प्रसाद बंटना शुरू हो गया। तो वहां पे एक आदमी उठा और उसने एक बास्केट में मिठाइयां ली और वो पर व्यक्ति को मिठाइयां देने लगा। तो वहां पे एक चीज उन्होंने नोटिस करी जो बहुत ज्यादा ही अलग थी वो ये थी कि जो मेरे नाना जी ने देखा कि वहां पे जो मिठाई दे रहा था वो मिठाई एक दो तीन ऐसे नहीं दे रहा था, वो पूरी की पूरी बास्केट उठा रहा था मिठाइयों की। और वो जो नाना जो पहले के लोग धोती कुर्ता और गमछा डालते थे और वो गमछे में पूरी की पूरी बास्केट दे रहता था मिठाइयों की। तो जैसा कि नाना ने देखा कि जब भी मिठाई वाला किसी को मिठाई देने जाता था आदमी तो वो सामने वाला आदमी अपना गमछा उठाता था और उसमें पूरी की पूरी मिठाई ले लेता था। तो धीरे 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 मिठाइयाँ बंटना शुरू हुई और स्टार्टिंग से लोगों ने मिठाइयाँ लेना स्टार्ट कर दिया। तो मिठाइयाँ लेते 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 ऑलमोस्ट साढ़े चार बजने वाले थे क्योंकि काफ़ी लोग बैठे थे और नाना सबसे पीछे बैठे थे। तो जब धीरे धीरे मिठाइयाँ बंटने लगी और वो आदमी जो था जो मिठाइयाँ बांट रहा था वो धीरे धीरे नाना के करीब आने लगा तो एकदम से फिर नाना ने एक चीज़ नोटिस करी और जो उन्होंने वो चीज़ नोटिस करी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सो गाइस वो एक मोमेंट था जो इतना ज़्यादा डरावना था कि अगर शायद मैं या आप होते तो उस समय हमारा पता नहीं क्या हो जाता। बट मेरे नाना बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, उन्होंने उस टाइम नोटिस किया कि जैसे जैसे मिठाइयाँ आगे वालों लोगों को मिल रही थी वो एकदम से वहाँ से वैनिश हो जा रहे थे, एकदम से वहाँ से गायब हो जा रहे थे। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो अगर आपके सामने किसी को कुछ मिले और वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाए। तो नाना ने उस टाइम नोटिस किया कि जैसे ही आगे वाले लोगों को मिठाइयाँ मिल रही थी वो एकदम से गायब हो जा रहे थे, मिठाइयाँ मिल रही थी वो चले जाते चले भी नहीं जाते एकदम से वहां से गायब हो जाते बैठे बैठे। बट मेरे नाना इतने ज्यादा प्रेम थे कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कहीं भागे नहीं, डरे नहीं, अपने चेहरे पे उन्होंने कोई भी डर या परेशानी के एक्सप्रेशन को आने नहीं दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो आदमी नाना के पास आया मिठाई देने तो नाना ने बिल्कुल डरे बिना ब्रेवली अपना जो गमछा होता था उसको आगे कर दिया और जो मिठाई दे रहा था वो आदमी तो उसने उस गमछे में मिठाई को डाल दिया। और उसके बाद ब्रेवली मेरे नाना अपने घर आने के लिए एकदम से खड़े हो गए। नाना जैसे ही खड़े हुए तो उस आदमी ने मेरे नाना को रोक के बोला कि तुम जाओ, आज तुम बच गए हो। यस गाइस उस इंसान को भी पता चल गया था कि मेरे नाना इंसान है। और क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ मेरे नाना इंसान है क्योंकि बाकी जो मिठाई दे रहा था और जो वहाँ से लोग गायब हो रहे थे वो इंसान नहीं थे, वो एक जिन। यस गाइस
तो बेसिकली मेरे नाना जी जो थे वो पूरी रात जिन के साथ कवाली बैठ के सुन रहे थे। वो जो सैकड़ों की भीड़ थी वो इंसानों की नहीं थी, वो सैकड़ों की भीड़ जिनों की थी। तो जैसे ही मेरे नाना जी खड़े हुए और उस जिन को भी पता चल गया कि हम में से ये एक नहीं है, तो उस जिन ने बोला, क्योंकि तुमने पूरी रात हमारे साथ कवाली सुनी है और तुमको मैंने प्रसाद दे दिया है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बट उसने मेरे नाना को बोला कि आज के बाद तुम ये गलती कभी मत करना और आज के बाद कभी भी हमारे साथ आके मत बैठना। एंड उस समय मेरे नाना बहुत ज़्यादा घबरा गए, उन्होंने फटाक से पीछे आए और अपनी साइकिल ली और जल्दी से घर आने के लिए निकल गए। एंड उन्होंने देखा कि पीछे जैसे ही वो निकले सुबह के ऑलमोस्ट 4 से 4:30 बज चुके थे, 5 ऑलमोस्ट बजने वाले थे और धीरे 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 सारी जिन वहाँ से गायब हो गए। एंड मेरे नाना इतने ब्रेव थे कि वो जल्दी 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 साइकिल चला के अपने घर आए। उसके बाद हड़बड़ाहट में उन्होंने वो सारा किस्सा मम्मी को, नानी को, सबको बताया। एंड बहुत ही ब्रेवली उन्होंने वो सब वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया। सो गाइस, दिस इज ऑल, ये जो स्टोरी थी ये मेरे नाना जी की बिल्कुल ट्रू स्टोरी थी जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। एंड आप सोच भी नहीं सकते कि वो सिचुएशन क्या होगी और उन्होंने उस चीज को कैसे फेस किया होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप कि मेरे ब्रेव नानू की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड इससे पहले भी मैंने एक रियल हॉरर स्टोरी आपको सुनाई थी और अगर आपने वो नहीं देखी तो मेक श्योर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको भी जरूर देखिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के और लाइक करने के साथ साथ आप मेरे चैनल पे जो बेल आइकन दिया है उसको भी जरूर आप क्लिक करिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो टिल देन, बाय, लव यू।